वशिष्ठ हैं, कह रहे हैं नमन आचार्य जी, मुझे समस्या आती है वैराग्य को अपने पारिवारिक जीवन के साथ जीने में। जैसे भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य ने ज्ञानी होकर भी कुछ गलत निर्णय लिए, वैसे ही मैं भी स्वार्थी और असमर्थ हो जाता हूँ परिवार के सामने। परिवार के सामने सारा ज्ञान विलुप्त हो जाता है और अहंकार प्रबल, कृपया निवारण करें। किस तल पर जवाब दूं आपको प्रवीण? क्या है परिवार? परिवार से मोह है आपको, ऐसा लगता है परिवार माने आसपास के कुछ लोग, है ना? माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, भाई बंधु, पत्नी पति, बच्चे, नाती पोते और तमाम रिश्तेदार, इसी का नाम परिवार। मैंने तो बहुत बड़ा बना दिया। आमतौर पर जब आप कहते हैं परिवार तो आपका आशय होता है सिर्फ अपने छोटे से घोंसले से, पत्नी होगी, बच्चे होंगे, हद से हद एक दो लोग और होंगे। ये जितने भी लोग हैं जिनके सामने आप कह रहे हैं कि आप असहाय हैं, आपके जिनको आपने नाम दिया है परिवारियों का, इन सब में साझी बात क्या है? ये आपसे कैसे जुड़े हुए हैं? देह का संबंध। तो जो आप कहते हो कि आप परिवार को महत्व देते हो, तो वास्तव में आप किसको महत्व देते हो? दादा दादी से क्या संबंध है मूलतः? ये बाद में कहना है कि हमारी कोमल भावनाएं जुड़ी हैं उनके साथ, कोमल भावनाएं बाद में जुड़ी, प्राथमिक संबंध क्या था? देह का ना, उनकी देह का अंश। और अगर देह का रिश्ता न होता सर्वप्रथम, तो ये कोमल भावनाएं भी जुड़ती क्या? बोलो। जितनी तुम कोमल भावनाएं और मधुर स्मृतियां लिए हुए हो अपने परिवारजनों के साथ, इसका आधार क्या है? आधार है देह। ठीक है, पति को बता दिया जाए कि पत्नी घर आएगी पर देह का कोई रिश्ता नहीं बनने वाला, ब्याह होगा? बोलो, कोमल भावनाएं कहां गई? ये तो सब बात की बात है। मैं इनकार नहीं कर रहा हूं कि कोमल भावनाएं इत्यादि इत्यादि होती हैं, पर वो केंद्रीय नहीं है, प्राथमिक नहीं है। पत्नी को बता दिया जाए कि पति ऐसा मिल रहा है जो देह का संबंध बनाने के काबिल नहीं है, ब्याह होगा? कानून तक उस ब्याह को अमान्य घोषित करने के लिए तैयार बैठा है। पत्नी को जाकर के न्यायालय को बस ये बताना है कि पति नपुंसक है। न्यायालय कहता है ब्याह निरस्त, सिद्ध भर करना है कि अरे जाओ अपने अपने रस्ते। ब्याह कैसे जब देह से देह मिल ही नहीं सकती, और जब संतान ही नहीं पैदा हो सकती, तो ब्याह कैसा? समाज एक शब्द पकड़ता है, कानून में भी वो शब्द मौजूद है, बड़ा घटिया शब्द है, कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज।
और ये शब्द मात्र सामाजिक नहीं है, कानून की किताबों में भी मौजूद है। कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज अर्थात विवाह की पूर्णता। कंज्यूमेशन शब्द का अर्थ होता है जब कोई चीज अपनी पूर्णता को पाले। कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज किसको कहते हैं? जब पति पत्नी दैहिक रूप से जुड़ जाए, जब दैहिक रिश्ता बन जाए, जब संभोग हो जाए, तब माना जाता है कि अब मैरिज, अब विवाह कंज्यूमेटेड हुआ। नहीं तो उसको माना जाता है कि रिश्ता अभी अधूरा है, विवाह अभी हुआ ही नहीं पूरा। और ये बात कानून भी मानता है। तो सबको खबर है, पूरे जमाने को खबर है, यहां तक कि कानून की किताबों को भी खबर है कि परिवार के केंद्र में जो रिश्ता बैठा है वो देखता है, जिसमें देह भाव जितना सघन होगा, जो जितना ज्यादा देहाभिमानी होगा, वो इस देह के परिवार को उतना ज्यादा महत्व देगा। समझो बात को, परिवार से अध्यात्म कभी दुराव नहीं रखता। अध्यात्म तो कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा ही परिवार है मेरा। तो ये झूठी बात है अगर कोई कहे कि अध्यात्म परिवार की खिलाफत करता है। नहीं, ऐसा नहीं है। अध्यात्म तुम्हारे झूठे तादात्म्य की, तुम्हारी झूठी पहचान की खिलाफत करता है। और तुम्हारी झूठी पहचान किसके साथ है? देह के साथ है। तो अध्यात्म परिवार के खिलाफ नहीं है, अध्यात्म देह से उठे परिवार के खिलाफ है। क्योंकि जब तुम देह से उठे परिवार को ही अपना परिवार कहना शुरू कर देते हो, तो नतीजा ये निकलता है कि बाकी सारा जगत तुम्हारे लिए अपरिवार हो जाता है। तुम कहते हो मेरे तो अपने तो बस वही हैं जिनसे मेरा शरीर का संबंध हो। और शरीर में भी समझना, जब हम कहते हैं शरीर का संबंध, तो ऐसा लगता है जो आंखों का संबंध हो, जो मस्तिष्क का संबंध हो, जो हाथ का संबंध हो। परिवार के मूल में जननेन्द्रियों का संबंध है। तो परिवार माने कुछ ऐसे लोगों का समूह जहां लिंग का और योनि का नाता चल रहा है। तो जो अपने आप को जितना ज्यादा लिंग समझेगा, वो उतना ज्यादा देह के परिवार के आसक्त रहेगा। जो स्त्री अपने आप को जितना ज्यादा योनि मात्र समझेगी, वो उतना ज्यादा परिवार परिवार चलाएगी। और उसके लिए परिवार का मतलब होगा वही दो चार लोग बस। और वो दो चार लोग क्यों? क्योंकि इनसे मेरा जननेन्द्रियों का और गर्भ का रिश्ता है। आपको बार बार मेरी बात अखर रही होगी, आपको लग रहा होगा मैं कोई बहुत ही निष्ठुर कठोर बात बोल रहा हूं। आप बार बार फिर उसी पुराने जुमले को लेकर के आएंगे, कोमल भावनाएं मधुर स्मृतियां, कोमल भावनाएं मधुर स्मृतियां। मैं आपकी कोमल भावनाओं और मधुर स्मृतियों का सम्मान करता हूं। गोलू छोटा सा था और आपने सजा बजा के एक सुंदर सा एल्बम बनाया उसका, और उस एल्बम के साथ आपकी बड़ी मीठी यादें जुड़ी हुई हैं। मैं उन यादों का सम्मान करता हूं। मैं सिर्फ आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं इस ओर कि दुनिया के हर बच्चे को आप गोलू नहीं बोलते, दुनिया के हर बच्चे को आप सजाती संवारती नहीं है। आपको बच्चा वही अच्छा लगता है बस जो आपके गर्भ से निकला हो। और गर्भ से बच्चा पैदा हो, उसके लिए आवश्यक है कि पहले संभोग हो, आपके गर्भ में वीर की बूंद पहुंचे, भ्रूण तैयार हो,
इन सब बातों से फिर आपको प्राथमिक रूप से लगाव है। गाते हैं कबीर भी, परिवार उनका भी है, परिवार से संतों को कभी कोई एतराज नहीं रहा है। ये जो देह को इतना महत्व दिया जाता है इससे एतराज आ रहा है। गाते थे ना तुम लोग कबीर का, हम सब बड़ा कौन परिवारी, गाओ जरा। हम सब कौन बड़ा परिवारी, दसों दिशा है दुनिया हमारी, ये संतों का परिवार है। इस परिवार का आधार क्या है, संत खुद बताते हैं, अगर आगे के बोल याद हो तो। याद है कुछ, दसों दिशा दुनिया तब होती है जब, जैसा कबीर कहते हैं कि क्षमा नाड़ी होती है, विवेक भाई होता है, सत्य पिता होते हैं, शील बहन होती है। अब पूरी दुनिया तुम्हारा परिवार है। कबीर के परिवार का आधार फिर क्या हुआ, जब कबीर कहते हैं हमसे बड़ा कौन परिवारी, दसों दिशा है दुनिया हमारी, कबीर के परिवार का आधार क्या हुआ, शील करुणा सत्य विवेक क्षमा। और हमारे परिवार का आधार क्या है, लिंग और योनि। देह भी पूरी मत बोलो, हाथ नहीं है हमारे परिवारों का आधार, ना आंख है ना कान है। वास्तव में वासना जब छाती है तब तो आंख कान सब बंद हो जाते हैं। वासना जब छाती है तब तो समूची देह ही एक विशाल लिंग बन जाती है, ना आंख बचती है ना कान बचता है, मस्तिष्क तो बचता ही नहीं, पूरे शरीर में लिंग मात्र बचता है। यह हमारे परिवार का आधार है। तो जब तक आप स्वयं को नहीं जानते, आपको सजा यह मिलती रहेगी कि आप व्यर्थ की चीजों से आसक्त रहेंगे। समझो, आप यदि अपने आप को आत्मस्वरूप नहीं जानते तो आपको अपने आप को क्या मानना पड़ेगा, देह। और जो अपने आप को देह मानेगा उसे फिर देह से संबंधित सभी चीजों से भी आबद्ध होना पड़ेगा। तुम्हें अपनी देह से बड़ा मोह है तो फिर तुम्हें कलाई के कंगन से भी मोह होगा, क्योंकि मुझे सर्वप्रथम किससे मोह है, कलाई से। कलाई से मोह है तो कंगन भी चाहिए ना सुंदर सुंदर। फिर देह से बड़ा मोह है तो फिर इस देह के लिए एक सुंदर घर भी चाहिए। घर में कौन रहती है, आत्मा तो रहती नहीं घर में, कौन रहता है, देह रहती है। तो फिर जिन्हें देह से बहुत मोह होता है वो उस देह के लिए जीवन भर लगा देते हैं एक घर खड़ा करने में, लाखों करोड़ों के कर्ज उठाएंगे, बीसों साल तक किश्त चुकाएंगे, किसके लिए, देह के लिए घर खड़ा किया जा रहा है। खुद बेघर है, देह को घर दे रहे हैं। तुम्हारा घर तो एक है, कबीर कह गए ना, सत्य पिता हमारे, सत्य का जो घर है वो तुम्हारा असली घर है, तुम तो बेघर ही रह गए, देह को घर देते रह गए। और उसके लिए कितना उपद्र, फिर देह संबंधित जितनी चीजें होंगी उसमें फंसे रहोगे। स्वाद किसको चाहिए, देह को चाहिए। तमाम तरह है कि आराम और भोग किसको चाहिए, देह को चाहिए, देते रहो देह को।
देहाभिमानी होने की सजा तुम्हें पल पल मिलती है, और सजा यही भर नहीं है कि चार पांच लोग जिनको तुम परिवार कहते हो तुम उनसे आसक्त रहोगे, तुम अपने कपड़ों से भी आसक्त रहोगे। घर से आसक्त रहोगे, गाड़ी से आसक्त रहोगे, जूते चप्पल से आसक्त रहोगे, क्योंकि वो सब किसके हैं, देह के हैं। उम्र को लेकर डरे डरे रहोगे, मृत्यु का भय सताता रहेगा, क्योंकि जहां देह है वहां मृत्यु, आत्मा की तो मृत्यु होती नहीं, और देह प्रतिपल मृत्यु की ओर ही अग्रसर। देह मान लिया तुमने अपने आप को, तो अब मौत से घबराते भागते हो। तो जिसको यह बीमारी लगी हो कि उसे परिवार का मोह इतना ज्यादा है कि अध्यात्म कुछ समझ में नहीं आता, या कि अध्यात्म कोरा ज्ञान बनकर रह जाता है जब परिवार की आसक्ति खड़ी होती है, तो मैं उससे कह रहा हूं कि तुझे एक ही बीमारी नहीं सताएगी, तेरी बीमारियां अनंत हैं, प्रतिपल है, हर तल पर है। तुमने तो सिर्फ एक बीमारी का उद्घाटन किया, एक राज खोला, और एक राज क्या है कि सारा ज्ञान परिवार के सामने विलुप्त हो जाता है। मैं तुमसे कह रहा हूं ना, अगर तुमको ये परिवार वाली बीमारी लगी हुई है तो तुम्हें समस्या एक नहीं होगी, तुम्हें समस्या 50 होगी, तुम्हारा प्रतिपल समस्या में ही बीत रहा होगा। शायद तुम अपनी सारी समस्याओं का साझा सूत्र नहीं देख पाए, शायद तुमको ये लगता है कि तुम्हारी सारी समस्याएं अलग अलग हैं। नहीं, देह से जुड़ाव कितनी समस्याओं को जन्म देता है तुम्हें अभी कल्पना भी नहीं है शायद, और वो समस्याएं अलग नहीं होती, वो सब एक होती है। बात समझ रहे हो? जो देह से जुड़ा हुआ है उसको ये खौफ ना खाता हो कि मेरा क्या होगा, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये दोनों खौफ एक है, परिवार का क्या होगा और मेरा क्या होगा। दोनों ही डरों में साझी बात क्या है, देह की बस्ती है हमारी। आईने ने इस थोबड़े को देख करके कभी बिजली कौंधती ही नहीं कि इस आदमी को मैं जानता भी हूं क्या। जहां ये शक्ल देखी नहीं तहां तुरंत कहने लग गए मैं, ये तो मैं हूं। कभी ये काया जिज्ञासा उठती ही नहीं ये मैं हूं तो रोज कैसे बदल जाता हूं। कोई आज कहे कि महेश है और कल हो जाए सुरेश, तो उसका कोई भरोसा है? तुम उसका भरोसा नहीं करोगे क्योंकि वो 24 घंटे में बदल गया। और अगर कोई 24 महीने में बदलता हो तो उसका भरोसा कर लोगे? बदल तो वो भी रहा है ना। महेश अगर सिद्ध धोखेबाज है तो 24 घंटे में ही बदल जाएगा। तुम्हारा भी बदलाव लगातार है पर वो 24 महीने में पता चलता है, तो तुम फिर कैसे भरोसे के काबिल हो गए? देह तुम्हारी कैसे भरोसे के काबिल हो गई? और जो देह से जुड़ा हुआ है उसे देह संबंधित एक दूसरी विपदा का भी सामना करना पड़ता है। उस दूसरी विपदा का नाम है मन। तन और मन एक है। जो देह से जुड़ा हुआ है वो फिर देह से जितने रस रसायन
लगातार निर्मित और उत्सर्जित हो रहे हैं, उनसे भी जुड़ा रहेगा। स्त्री को स्त्री किसने बनाया? देह नहीं तो बनाया? फिर तुम बाद में बोलते हो औरत का मन। पुरुष को पुरुष किसने बनाया? देह नहीं तो बनाया? फिर तुम बाद में कहते हो औरत का मन। अरे वो मन क्या है? तुम्हारी तमाम ग्रंथियों से जो रसायन उलीचे जा रहे हैं तुम्हारे खून में, उनके अतिरिक्त मन कुछ है? कोई भावना उठती है तुम्हारे भीतर? जब तक भीतर कोई रासायनिक प्रक्रिया ना हो, और रसायन माने देह, जिसको तुम कहते हो मेरी भावना, मेरा प्रेम, मेरा क्रोध, मेरी दया, जो भी तुम्हारे विचार, तुम्हारे जज्बात हैं, वो सबके सब तो रसायन का खेल है। वैज्ञानिकों से पूछो, वो तुम्हारे हर मनोभाव के लिए एक रसायन बता देंगे, और वो रसायन आवश्यक नहीं है कि शरीर में भीतर से ही उत्सर्जित हो, वो बाहर से भी तुम्हें दिया जा सकता है। तुम्हें गोली दी जा सकती है, तुम्हें एक इंजेक्शन दिया जा सकता है। ये बड़ी अजीब बात है। अभी एक इंजेक्शन लगा दिया जाएगा, जाकर के मां के पांव पकड़ के रोने लगोगे, मां 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 मां। तुम में वत्स भाव जाग जाएगा, तुम बेटे हो जाओगे। एक दूसरा इंजेक्शन दिया जा सकता है तुम्हें, तुम अभी बिल्कुल आग बबूले हो जाओ, लाल पीले हो जाओ, मुंह से लट्टे निकलने लगे, और गुस्से में किसी को भी मारने पहुंच जाओ, तुम बोलोगे मेरी भावना है, तुम्हारी भावना है। अब परिवार की बात करते हो, अभी एक इंजेक्शन दिया जा सकता है कि तुम्हारा परिवार और बढ़ जाए। काम वासना कोई आंतरिक चीज होती है क्या? एक इंजेक्शन लगेगा और जैसे कोई पागल सांड हो, उन्मत्त, काम उन्मत्त, और गाय के पीछे भागता हो, ऐसे भागोगे स्त्रियों के पीछे। और यही हाल स्त्रियों के लिए भी है, उनके भी शरीर में जब रसायन दौड़ने लगते हैं तो वो भी फिर उन्मत्त होने लगती है। ये तो तुमने खूब देखा ही है, सड़क के जानवरों में देखा होगा, उनके मौसम आते हैं, वो मौसम आया नहीं, किन्नर मादा बिल्कुल व्याकुल हो जाते हैं मिलने के लिए, फिर उनका भी वंश बढ़ेगा, उनका भी परिवार आएगा। यह है देह का खेल। ये तुम्हें पसंद आ रही बातें सब सुनने में? बोलो, ये सब बातें बड़ी गरिमामयी, बड़ी शोभनीय लग रही हैं। ऐसी है देह कि जिसकी चर्चा भी करो अगर जबान से, तो ऐसा लगे कि कुछ मैला हो गया। और लगे रहते हो मेरा बेटा, मेरी बेटी, क्या है? जिन्होंने जाना है उन्होंने तो बड़ी भर्त्सना के साथ बोल दिया है। कई बार तो लगता है कि इतना कड़वा बोलने की क्या जरूरत थी, पर साफ बोल दिया उन्होंने। उन्होंने कहा कि पिता और माता का रज जब मिलता है तो उससे संतान तैयार होती है, इसीलिए संतान भी मलमूत्र के ही समान है। मैं नहीं कह रहा तुमसे कि तुम उनकी बात से सहमत हो जाओ, पर जिन्होंने कहा है उनका इशारा पूरी तरह तो व्यर्थ नहीं होगा ना, कुछ तो तुमको समझाना चाह रहे होंगे। मत करो स्वीकार उनकी बात को,
पर एक बार जरा सद्भावना के साथ उनकी बात सुन तो लो, वो क्यों कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जैसे तुम शरीर से मलमूत्र इत्यादि उत्सर्जित करते रहते हो, उन्हीं द्वारों से तुम एक दिन संतान भी पैदा कर देते हो, तो इस देह का मलमूत्र से ज्यादा क्या महत्व है, क्योंकि उन्हीं द्वारों से ये देह भी एक दिन सामने आ जाती है। स्त्रियों का मासिक समय होता है और उस समय तुम खूब बात करते हो हाइजीन हाइजीन सफाई इत्यादि। जिस नवजात को तुम बहुत प्यार करते हो वो और क्या है, स्त्री के गर्भ से जिस प्रकार रक्त बहता है उसी प्रकार एक दिन एक शिशु भी पा जाते हैं तो रक्त बहता है तो तुम कहते हो गंदा गंदा, और शिशु पा जाते हो तो कहते हो वाह क्या अनुपम वरदान है। मैं जितनी बातें बोल रहा हूं मैं खुद भी इनसे पूर्णतया सहमत नहीं हूं, पर अतिशयोक्ति में जाकर बात इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि तुमने एक दूसरी अतिशयोक्ति पाल रखी है। मैं जो बोल रहा हूं निश्चित रूप से वो एक अति है, पर उस अति का सहारा मुझे इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि तुम दूसरी अति पर अटके हुए हो। तुमने देह को परमात्मा का ही दर्जा दे दिया है, और यहां तक कि तुम ये संस्कार भी पाल चुके हो कि जो देह के मां बाप हैं इनको तुम कहने लग जाते हो कि यही भगवान है यही गुरु है। ये क्या मजाक है? स्त्रियां पतियों को परमेश्वर बोल रही हैं, तुम पगला गई हो? तुम संभोग के लिए राजी ना होती, ये परमेश्वर तुम्हें घर ही ना लेके आते, ये कौन सा परमात्मा है जिसकी रुचि बस बाजा बजाने में है? हमें तो पता था कि परमात्मा का नाम मौन है, ये कौन सा परमात्मा है जो गाने बजाने में इतना यकीन रखता है, बजाए ही जा रहा है। अरे भाई तुम्हारा और उसका एक रिश्ता है जांघों के बीच का, और उस रिश्ते के बाद के साथ ही रिश्ते हैं सारे, और वो पहला रिश्ता ना बने तो मैं फिर कह रहा हूं जांच लेना। मैं जानता हूं मेरी बात सुनने में अच्छी नहीं लग रही होगी, पर जांच लेना, वो पहला रिश्ता ना बना होता तो और रिश्ते नहीं बन पाते। ये बाकी सारे रिश्ते, आंखों के रिश्ते, हाथों के रिश्ते, उंगलियों के रिश्ते, जुल्फों के रिश्ते, मन के रिश्ते, ये सब धरे के धरे रह जाते अगर जांघों वाला रिश्ता न बना होता, और तुम उसको परमेश्वर बता रही है। तुमने देह को परमात्मा के समतुल्य रख दिया, और फिर जब वो नासमझ बच्चे पैदा होते हैं तो तुम उनके सामने खड़े हो जाते हो कि बाप भगवान है और मां भगवती है, चल बेटा आज्ञा का पालन कर और पांव छू। और फिर इस किस्से को तुम नाम देते हो मेरा सुंदर परिवार, ना जुदा होंगे कभी खुशी कभी गम, बिल्कुल बज उठी न थुन, आ गए ना आंखों में आंसू। देह का ऐसे ही है, वो जल्दी से गीली हो जाती है और परिवार बढ़ जाता है फिर।
तुमने अपना छोटा सा कुनबा बना करके अगर बड़ा पुण्य किया है उसी को तुम अपना मंदिर बताते हो। लोग हैं वो अपने घर को कहते हैं मंदिर है हमारा, ये तुमने बड़ी अनूठी बात कर दी। तो फिर अभी अभी एक मौलवी जी का बड़ा नाम हुआ, वो 93 की उम्र में दिवंगत हुए और कुछ 100-150 उनकी बीवियां थी और 200-400 उनके बच्चे थे। अभी अभी आई है 2-4 दिन पहले खबर। तो तुम्हारा फिर अगर छोटा सा मंदिर है तो मौलवी साहब का तो पूरा तीरथ था। लगे हुए अर्धांगिनी, कैसे कैसे तुमने नाम गढ़ लिए, अर्धांगिनी कैसे हो गई भाई तुम्हारी। वो माई बेटर हाफ, मैं कहता हूं थम, एक दो बार ऐसे वो पकड़ा है, बस ये कि फिर वो नजर नहीं आते, उस दिन रिश्ते ही टूट जाता है क्योंकि उनको बेटर हाफ वाला बना के रखना है। और मैं कुछ करता नहीं, मैं तो वही मासूम, मुझ जैसा नादान कोई मिलेगा नहीं, मैं तो 2-4 भोले भाले सवाल पूछ लेता हूं और उसके बाद फिर वो मिलते नहीं। तो पूछता हूं बस ये बता दे ये बेटर हाफ क्या चीज होती है, ये अर्धांगिनी का क्या खेल रचा है। एक सज्जन मिले वर्ज नारीश्वर की तस्वीर लेके घूम रहे थे, वो विदेश के हैं, स्कॉटलैंड के थे, वहीं पैदा हुए वहीं के ऋषिकेश आया करते हैं, तो दिखाई की देखिए लुक आचार्य दिस इज व्हाट रियली टचेस मी अबाउट इंडिया। मैंने कहा तू रुक ये तस्वीर ही गलत है। तो शिव शक्ति आधे आधे नहीं है, शक्ति मात्र है और शक्ति के हृदय को शिव कहा जाता है, शक्ति के केंद्र को शिव कहा जाता है। ऐसा थोड़ी है कि तुमने आधे शंकर आधी पार्वती बना दी, कि तुमने क्या नमूना खड़ा कर दिया। ये जो तुम बना रहे हो और बेच रहे हो और पूजा कर रहे हो, ये वास्तव में शिव का अपमान है, शक्ति का भी अपमान है। अगर तुमने वास्तव में शिव को समझा होता तो तुम शिव को और शक्ति को कभी इस तरह से निरूपित नहीं कर सकते थे। शक्ति मात्र है, जगत शक्ति का प्रसार है, जगत शक्ति का नृत्य है और शक्ति के निराकार केंद्र का नाम है शिव। आदमी की पूरी जिंदगी इसी झंझट में निकल जाती है। क्यों? क्योंकि समय काटने के लिए कुछ तो चाहिए ना। एक बार तुम इस पारिवारिक झंझट में पड़ गए, उसके बाद तुम कभी यह नहीं कहोगे कि समय कैसे काटे। उसके बाद कम से कम जिंदगी से एक शिकायत हमेशा के लिए मिट जाएगी कि समय अधिक रहता है, कि दिन काटे नहीं कटता। जिनको ये समस्या होगी दिन काटे नहीं कटता, उनको बस ये छोटी सी सलाह है, जाओ शादी कर लो। अब ऐसे चक्कर में फंसोगे कि 10 जन्म कम पड़ेंगे, तभी तो जब वो फेरे लिए जाते हैं तो कहा जाता 7 जन्म। वो बात तुम समझेंगे क्यों कही जाती है 7 जन्म, क्योंकि अब जो चक्कर शुरू होने वाले हैं वो 1 जन्म से न सिमटने से रहे। ये चेन रिएक्शन,
ही थोड़े ही बहुत उत्पादक हो, तुम ही थोड़े ही बहुत उर्वर हो, तुम उत्पादक हो, तुम्हारी बीवी उर्वर है, तो तुम कुछ पैदा करोगे, जिनको पैदा करोगे वो भी तो उत्पादक और उर्वर है, उन्हें भी तो अपनी कहानियां चलानी है। अब कहानी पे कहानी, एक कहानी ले कहानी, एक कहानी से चार कहानियां, अब सुलटाते रहो कहानियों को, जब तक तुम्हें लगेगा 20, 25, 35 साल बाद कि तुम्हारे जो दो चार बच्चे थे वो किसी तरीके से निपटे, तो तब तक तुम पाओगे कि 10 और पैदा कर चुके हैं। और अगर तुम्हारा देह का रिश्ता अपने बेटे से है तो ऐसा हो नहीं सकता कि तुम्हारा देह का रिश्ता पोते से ना हो। जो अपने बेटे से आसक्त है वो पोते से भी आसक्त होगा। तो जिस तरीके से बेटे के साथ लगाए 20-40 सवाल, अब पोते के साथ भी लगाओ, फिर पर पोते के साथ लगाओ। आज तुम लोग महाभारत की बात कर रहे थे, देखा ना भीष्म को, वो और क्या करते रहे, कौरवों के पांडवों के वंश पे वंश आते रहे, वो खड़े हुए बस उनकी तीमारदारी कर रहे, सेवा करे जा रहे, रुकने के नहीं, उनका अपना कुछ नहीं, भोग दूसरे रहे हैं, और वो सदा के लिए खड़े हो गए हैं सेवक, इच्छा मृत्यु को उनको वरदान है, मर ही नहीं सकते, शाश्वत सेवा करनी। हस्तिनापुर के सिंहासन के आगे हाथ जोड़े खड़ा है कि अब भाई जो भी आता जाएगा उसकी सेवा करता जाऊंगा। सात जन्म भी कम है, ये चक्कर कभी नहीं पूरा होने का। भला हुआ जो कृष्ण ने मुक्ति दिला दी भीष्म को, नहीं तो उन्हें मुक्ति कभी मिलने की नहीं थी। वो चाहते थे हस्तिनापुर का सिंहासन निरापद हो जाए, वो निरापद कभी होता ही नहीं, क्योंकि परिवार नाम की संस्था का ही दूसरा नाम आपदा है। एक नहीं 50 महाभारत हो जाए तो भी झगड़े निपटने के नहीं। भला हुआ जो भीष्म तर गए युद्ध के बीच में ही, क्योंकि अगर वो इंतजार करते कि युद्ध निपट जाए तो युद्ध कभी नहीं निपटने का था। उन्होंने बीच में ही कह दिया, बेटा अब मैं तुम्हें बता देता हूं, इतनी जोर की उनको चोट लगी नहीं थी, अर्जुन ही था उसने संभाल के मारा था धीरे से, बहुत सारे नहीं मारे थे, बाणों की शैया इत्यादि तो बाद में तैयार करी थी कि पितामह लेटेंगे, बाणों का तकिया भी बाद में तैयार किया था कि पितामह लेटेंगे, मारा तो हिस्सा से एक ही बाण था। भीष्म ने कहा, देखो अर्जुन हमारे तुम्हारे बीच की बात, बहाना मिल गया मुझे रवानगी का, यही मौका है मैं निकल जाऊं, नहीं तो फर्क नहीं पड़ता कि तुम जीतते हो या दुर्योधन जीतता है, मेरा यही काम है तुम्हारे बच्चों की नैपियां बदलता रहो, बच्चे तुमने भी पैदा कर रखे हैं, बच्चे कौरवों ने भी पैदा कर रखे हैं, और उधर तो 100 है, एक से एक धृतराष्ट्र होते हैं, उन्हें वहां कोई काम ही नहीं, और जो अंधा हो गया और करेगा क्या, मानवता ही पूरी अंधी है, 800 करोड़ और कहां से आ गए इस 800 करोड़ में, और धृतराष्ट्र के 100 बच्चों में समानता देख लेना। बोले बेटा यही मौका है, तू घोषित कर दे कि पितामह गए और अब तुझे जिससे लड़ना हो लड़, मैं हटूंगा तो कर्ण अंदर आएगा, मेरे कारण कर्ण भी नहीं आ पाता था, तू इन सबके साथ सुलझा और मुझे अब जरा युद्ध स्थल से थोड़ी दूर ले जाकर के लिटा दे, मैं सूर्य के उत्तरायण में जाने की प्रतीक्षा करूंगा और उस दिन विदा ले लूंगा। तुम उस आदमी की बेबसी समझो, तुम्हें जानना हो कि परिवार क्या कर देता है तो भीष्म की ओर देखो, और वो ऐसा आदमी है जिसने स्वयं तो शादी भी नहीं की तब भी उसकी दुर्दशा देखो। अगर तुम थोड़ा गणित लगाओ और जोड़ो कि महाभारत के युद्ध के समय भीष्म की आयु क्या रही होगी तो तुम भौचक्के रह जाओगे। महाभारत के युद्ध के समय भीष्म की आयु कम से कम 85 वर्ष की है, और दूसरा
दूसरे आकलनों के मुताबिक उनकी आयु हो सकता है 100 वर्ष से ज्यादा की भी हो, ये कर देता है परिवार। 85 साल, 90 साल, 100 साल के आदमी को भी छोड़ता नहीं है। चल रही है चक्की, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। बहुत बड़ा परिवार हो तुम्हारा, तुमसे बड़ा कुटुंब किसी का ना हो, सब तुम्हारे हो। दुनिया के एक एक प्राणी को तुम सहोदर ही मानो। सुंदर शब्द है सहोदर, और सहोदर का मतलब यह नहीं जो एक ही स्त्री के उदर से पैदा हुए हो। सहोदर का अर्थ होता है कि हम सब एक ही मां की संतान है, बड़ी मां, सब सहोदर है तुम्हारे। तुमने कैसे अपने आप को कह दिया कि मेरा ब्याह नहीं हो रही, तो मैं बड़ी अकेली अनुभव करती हूं, और खासतौर पर स्त्रियों के साथ ही समस्या है। 30-35 बार हुई नहीं कि उनको अकेलापन सताने लग जाता है। ये अकेलापन इत्यादि कुछ नहीं है, ये गर्भ बोल रहा है, ये तुम्हारे शरीर में बहते तमाम रस और रसायन बोल रहे हैं। कभी कह मत देना कि तुम अकेले हो या अकेली हो, दुनिया है पूरी तुम्हारी, और दुनिया के नर नारी और बच्चे ही नहीं है तुम्हारे, तमाम जो जीव जंतु हैं ये सब भी तुम्हारे ही हैं, परिवार है तुम्हारा। तुम में अगर जरा भी सुबुद्धि होगी तो तुम कहोगे जिसका इतना बड़ा परिवार हो उसे क्या हक है ये कहने का कि वो अकेला है। तो देखो फिर वही देह संबंधित अहंकार। तुम कहते हो नहीं ये परिवार बहुत बड़ा है, वो बात ठीक है आपकी आचार्य जी, लेकिन मुझे तो वो परिवार चाहिए ना जो सिर्फ मेरा हो। बहुत लोग मुझे प्रेम करते हो, वो बात ठीक है आपकी आचार्य जी, पर मुझे तो कोई ऐसा चाहिए ना जो सिर्फ मुझसे प्रेम करता हो, और जिसको देखो वही ये भावना लेके घूम रहा है। कोई तो हो जो सिर्फ हमारा हो। ये तुम हवा ले रहे हो नथनों से अंदर, ये सिर्फ तुम्हारी है। बनवाओ कहीं से अपने लिए प्राइवेट हवा, ये आसमान सिर्फ तुम्हारा है। तुम्हारा क्या सिर्फ तुम्हारा है? तुम्हारे शरीर की एक एक कोशिका पूरी पृथ्वी की ही नहीं पूरे विश्व की है। अभी बड़ा रोचक प्रयोग हुआ। हम लोग रेस की बात करते हैं ना, रेस समझते हो क्या? नस्ल, जात, तो अलग अलग रेसेस के लोग लिए गए, भारत के लिए गए, चीन के लिए गए, अफ्रीका के लिए गए, अमेरिका के लिए गए, किसी को कैरेबियन से ले लिया, किसी को लैटिन अमेरिका से ले लिया, और फिर पता किया गया कि इन सबके वंशज कहां के हैं, डीएनए लेकर के परीक्षण किए गए। जानते हो क्या निकला? हम सब सब जगहों के हैं, हम में से कोई ऐसा नहीं है जो भारत का ही हो पूरी तरीके से, क्योंकि आदमी बहुत पुराना है, नदी बहुत दूर से आ रही है, बीच में उसमें न जाने क्या क्या मिला है, तुम जान भी नहीं पाओगे। जो गोरा समझता हो कि वो सिर्फ गोरा है वो भ्रम में है, उसके शरीर में काला भी बैठा हुआ है। जो काला समझता हो सिर्फ काला है वो भी भ्रम में है, उसके शरीर में गोरा भी बैठा हुआ हो। अरब वाला अगर सोचता है सिर्फ अरब का है तो अपने आप को बहला रहा है, उसके शरीर में चीनी भी बैठा हुआ है। हम सब सब जगह के हैं, तो
तुम बताओ विशेषतया तुम्हारा क्या है, तुम्हारा तो शरीर भी तुम्हारा विशेषतया नहीं है, तो तुम क्यों मानते हो कोई प्रेमी या प्रेमिका जो सिर्फ तुम्हारा हो, तुम्हारा तो शरीर भी सिर्फ तुम्हारा नहीं है। और आत्मा वो तो होती ही है निर्वैयक्तिक इम्पर्सनल, वो तुम्हारी कैसे हो गई? न शरीर तुम्हारा है, न आत्मा तुम्हारी है, न परमात्मा तुम्हारा है, तो फिर ये तुमने कहां से नई मांग रख दी कि मेरा पति सिर्फ मेरा हो, मेरी पत्नी सिर्फ मेरी हो? बताओ बताओ बताओ। इन सारे प्रश्नों के मूल में एक प्रश्न है, तुम हो कौन? और जिसने उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है वो जीवन भर उलझा उलझा घूमेगा, क्योंकि वो मैं और मेरे की भ्रामक परिभाषाओं को लेकर अपना संसार रचता रहेगा। झूठा मैं, झूठा मेरा। जब खुद को ही नहीं जानते तो जो चीजें तुम्हारी नहीं है उनको ही अपना 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 कहते रहोगे। मुक्त स्वभाव है तुम्हारा, क्यों एक छोटे से घेरे में अपने आप को कैद करते हो? देने वाले ने जब तुम्हें सारे जहान की सल्तनत दी है, तुम क्यों 2000 स्क्वायर फीट में अपने आप को बांधे हुए हो? देने वाले ने तुमको दुनिया का बादशाह बनाया और तुम बोलते हो 2 BHK। देह जितना मानोगे अपने आप को उतना लफड़ों पचड़ों में फंसोगे। देह को परमात्मा नहीं चाहिए। जो ये प्रश्न भी पूछा गया है ये देह नहीं पूछेगी, देह को तो कोई गरिमा भी नहीं चाहिए। देह को बोध नहीं चाहिए, देह को बस ये चाहिए कि वो कायम रहे, वो स्वयं भी कायम रहे और अपने बाद भी उसकी श्रृंखला चलती रहे। दो ही चीजें मांगता है शरीर, अपने लिए भोजन और आराम और प्रजनन, ताकि जब देह ना रहे तब भी देह बनी रहे। इन दो चीजों के अलावा देह कुछ नहीं मांगती। अब बताओ देह बन के जीना है? देह बन के जीना है तो फेंक दो सारी किताबें। किताब मांगती है क्या देह? और देह बन के जीना है तो हटाओ प्रेम, क्योंकि देह के तल पर प्रेम का भी कोई अस्तित्व नहीं होता। और देह बन के ही जीना है तो हटाओ फिर आजादी भी, क्योंकि देह इतनी घटिया चीज है कि उसे आजादी भी नहीं चाहिए। मैं छोटा था तो मुझे भ्रम होता था, मुझे लगता था ये बेचारे जो जानवर पकड़ लिए जाते हैं ये दुख के कारण जल्दी ही प्राण त्याग देते होंगे। मुझे लगता था चिड़ियाघर इत्यादि में या कि कैद में जो जानवर रख दिए जाते हैं इनकी आयु बहुत नहीं होती होगी। मेरा भ्रम टूट गया,
मुझे पता चला कि जो जानवर कैद में होते हैं वो ज्यादा जीते हैं, क्योंकि देह को मुक्ति चाहिए ही नहीं। और जानवर वही है, पशु वही है जो देह के पाश में बंधा हुआ है। जो देह के पाश में बंधा हुआ है उसका नाम पशु है। देह कहती है मेरे गले में पट्टा डाल लो, बस मुझे खाना देते जाओ, खाना देते जाओ। देह को आजादी नहीं चाहिए, देह को खाना चाहिए। चिड़िया घर के जानवर ज्यादा जीते हैं क्योंकि उनकी देह को पोषण मिलता है, सुरक्षा मिलती है। घरों के पालतू पशु ज्यादा जीते हैं, जंगल के पशु कम जीते हैं, क्योंकि देह आजादी मांगी नहीं रही। देह कह रही है गले में पट्टा डाल लो, खाना दोगे ना, देह बन के जीना चाहते हो, बोलो बोलो। देह का मतलब होता है बस ये भोजन आता है, और दूसरा लिंग जनन इंद्रिया। शरीर से मन बन होता है, मन बाकी चीजें मांग रहा है, फ्रीडम भी मांग। तो इसका अर्थ ये है कि बाकी चीजें भी जो मन मांग रहा है, अगर हम सिर्फ मन की बात करें, वो सब कुछ मूलतया यही है। उदाहरण के लिए मन अगर गाड़ी की मांग कर रहा है तो ऐसा तो नहीं कि वो किसी लड़की को प्रभावित करने के लिए गाड़ी मांग रहा हो। और लड़की को क्यों प्रभावित करने के लिए गाड़ी चाहिए? ताकि ताकि सेक्स मिल सके, और क्या। तो लगेगा तो ये कि ये साहब बड़े कर्मठ कर्मचारी हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत ये इसलिए कर रहे हैं ताकि ये जल्दी ही एक गाड़ी खरीद सके। और जब कोई कहता है कि मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूं, तुम कहते हो ये तो अच्छी बात है, पर वो गाड़ी भी खरीदी इसीलिए जा रही है ताकि किसी को प्रभावित किया जा सके। यही तो वजह है ना, दिल्ली के ऑटो एक्सपो में जाओ कभी, वहां हर गाड़ी के बगल में दो लड़कियां खड़ी होती हैं। गाड़ी के साथ संदेश दिया जा रहा है, ये वाली गाड़ी होगी तो ऐसी मिलेगी। वो इसलिए करता है क्योंकि मात्र देह हो ही नहीं तुम। देह का बस चले तो सारे उपनिषदों में आग लगा दे। इसीलिए देखते नहीं हो, जैसे ही यहां से उपनिषद फूटने शुरू होते हैं तुम्हारी देह सोनी शुरू हो जाती है। शंकर से पूछो, देह का बस चले तो सारे बोध साहित्य में आग लगा दे। देह चाहती ही नहीं है कि तुम्हारे कान में ऋषियों के और कबीरों के वचन पढ़ें। देह चाहती है कि जैसे ही किसी कबीर के बोल तुम्हारे कान में आना शुरू हो तुम तत्काल सो जाओ, क्योंकि सोओगे नहीं तो वो सब कर नहीं पाओगे। देह तुमसे कराना चाहती है, और देह तुम्हें पशु बना के छोड़ना चाहती है, या कह दो पशु ही बना के रखना चाहती है। जो आदमी भजनों में सोता हो, सत्संगों में सोता हो, उसकी एक बात पक्की होगी, उसे भोजन से बहुत प्यार होगा, क्योंकि देह उसकी और चाहती क्या है, खाना। और दूसरा वो लड़कियों के पीछे बहुत भागता होगा, क्योंकि देह की यही तो बातें कही हमने, उसको क्या चाहिए, भोजन, आराम और सेक्स। तो ये वो आदमी होगा जो भोजन की खातिर कुछ भी कर सकता है, वो आदमी जो कभी भी सो सकता है बेहोश की तरह, सारा काम धाम छोड़ के, धर्म छोड़ के सो जाएगा। और तीसरी चीज ये वो आदमी होगा जिसे सेक्स बहुत चाहिए। देह की अपनी एक कहानी है, देह का अपना एक बहाव है, देह के अपने उद्देश्य हैं,
और देह के उद्देश्य तुम्हारे उद्देश्यों से मेल नहीं खाते, इस बात को समझो। तुम चाहते हो मुक्ति और देह चाहती है बंधन। क्यों देह बन के जीना चाहते हो तुम? तुम चाहते हो प्रेम और देह चाहती है सेक्स। क्यों देह बन के जीना चाहते हो तुम? तुम चाहते हो ज्ञान और देह चाहती है अंधकार। क्यों देह बने रहना चाहते हो? बोलो, तुम्हारे हित में नहीं है देह भाव। इसीलिए हर साधक को, हर तपस्वी को पहली और आखिरी लड़ाई अपने खिलाफ लड़नी पड़ती है। और अपने से क्या आशय है? देह के खिलाफ। इसीलिए साधना में शरीर का इतना महत्व है। कभी कोई साधक शरीर को सुखा डालता है, देखा है? वो कहता है कम खाऊंगा, कम खाऊंगा। कभी कोई तमाम तरह के योगाभ्यास करता है, कभी तुम पढ़ते हो पुराणों में कि अमुक ऋषि ने नदी किनारे खड़े होकर के एक टांग पर तपस्या की। इन सब का संबंध किससे है? देह से है। कि देह तो नहीं चाहती है कि तुम एक टांग पर खड़े हो, पर तुम खड़े हो रहे हो। तुम कह रहे हो देह में तेरे खिलाफ जाऊंगा, तू जो नहीं चाहती मैं वही करूंगा, तू चाहती है मैं सोऊं मैं जगूंगा। सूफी रात रात भर जाग के इबादत करते हैं, देह कह रही है तू सो, और फकीर कह रहा मैं जगूंगा। क्योंकि देह तेरे इरादे अलग है और मेरा मंसूबा अलग है। तेरा मेरा कोई साम्य नहीं है। मैं तेरे कहने पे चलने लग गया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। बात समझ में आ रही है? जिसमें देह भाव जितना प्रबल होगा वो उतना ज्यादा अंतर करेगा अपनी औलाद में और पड़ोसी की औलाद में। वो कहेगा ये मेरी औलाद है ना, क्योंकि ये मेरे वीर्य से आई है, ये ज्यादा कीमती है। औलाद को कीमती बता के वो किसको कीमती बता रहा है? अपनी देह को ही तो कीमती बता रहा है। तो जब देखो कि कोई बाप बिल्कुल लूटा जा रहा है अपने बेटे पर, मेरा मुन्ना मेरा लाडला, तो समझ लो कि ये अपने वीर की बहुत कदर करता है, वीरवादी है। मुझे ऐतराज नहीं है कि अगर कोई वयस्क किसी बच्चे को गले लगाए और उसे लाड़ दिखाए, पर मैं कह रहा हूं तुम सिर्फ उसी बच्चे को लाड़ क्यों दिखा रहे हो जो तुम्हारे वीर से आया? पड़ोस के बच्चे में और सड़क के बच्चे में तुम्हें दुर्गंध आती है क्या? तुम्हें बस वही बच्चा प्यारा है जो तुम्हारे लिंग से निकला? इसका मतलब तुम्हें बच्चे से प्यार नहीं है, क्योंकि बच्चे बच्चे तो सब एक होते हैं। तुम्हें अगर बच्चे से ही प्यार होता तो सड़क पे भिखारी का जो बच्चा है तुम्हें उससे भी प्यार होता। तुम्हें बच्चे से प्यार नहीं है, तुम्हें अपने लिंग से, अपने वीर से, अपने देह से प्यार है। बड़े घटिया आदमी हो तुम बच्चे के नाम पर अपनी ही देह को पूज रहे हो। मैं जो बातें कह रहा हूं वो बहुत लोगों को आहत कर रही होंगी। मैं हाथ जोड़ के उनसे कह रहा हूं, आहत करने के लिए नहीं कह रहा हूं ये सारी बातें। तो आपको चोट लग रही हो तो दुख है मुझे, लेकिन और कोई उपाय नहीं है। हम पुराने अंधेरों में इतने डूबे हुए हैं कि कभी कभार चोट करनी पड़ती है।
हाथ बांधती हो अपने आप को, हाथ में हथकड़ियां लग जाएंगी। हाथ तो तैयार बैठे हैं ना, आओ हथकड़ी लगाओ। आत्मा में लग सकती है हथकड़ी, तो बताओ फिर कौन बंधक बनाएगा उसे जो देह नहीं है। और जिसने कह दिया मैं देह हूं, उसके हाथ तुरंत उपस्थित हो गए बंधने के लिए। अब बहुत कुछ किया जा सकता है तुम्हारे साथ, तुम्हें चोट पहुंचाई जा सकती है, क्योंकि देह तो सदा तैयार है ना चोट खाने के लिए। एक छोटा सा तिनका उड़ता हुआ है तुम्हारी आंख में पड़ जाए, लग गई चोट। तो जो अपने आप को देह मानेगा वो जीवन भर चोटिल रहेगा, क्योंकि देह को तो लगातार चोट पड़ती ही रहती है। और आवश्यक नहीं है कि कोई तिनका आए, कोई गाली भी तो आ सकती है, लग गई चोट तुमको। तन और मन को एक ही जानना, जिसको तुम मन कहते हो, ये बात मैं दोहरा रहा हूं, वो भी तन की वृत्तियों से और तन के रसायनों से ही उठा है। इसीलिए तो तन के अतिरिक्त मन का कोई अस्तित्व तो नहीं होता। तिनका आया तो चोट लग गई, गाली आई तो चोट लग गई। जो अपने आप को तन मानेगा वो जीवन भर घाव में जिएगा, उससे मवाद गिरता रहेगा, वो पस में सड़ेगा। बात बात में तुझे चोट लगेगी। जिन्हें चोट बहुत लगती हो, जो जल्दी जल्दी घायल हो जाते हैं, वो जान लें कि उन्हें शरीर से बहुत अनुराग है। मृत्यु का भय, चोट, लगातार संशय, ये सब उपहार मिलते हैं उनको जो देह बनकर जीते हैं। चाहिए ऐसे उपहार? क्या रिश्ता होना चाहिए फिर आदमी का देह के साथ? देह को संयोगिक मानो। क्या मानो? संयोगिक, केंद्रीय नहीं। कि जैसे चलते फिरते कोई मिल गया और अब तुम्हारे साथ चल रहा है, चलते फिरते कोई मिल गया और अब वो तुम्हारे साथ चल रहा है, जैसे ट्रेन के डब्बे में कोई मिल गया। देह ऐसा संयोग है, कुछ देर रहेगी तुम्हारे साथ, जैसे ट्रेन का सहयात्री रहता है कुछ देर तुम्हारे साथ, और किसी भी मुकाम पर इस देह को डब्बे से उतर जाना है। सहयात्री सहयात्री होता है सिर्फ, वो तुम्हारी मंजिल तो नहीं बन सकता ना। क्या बोलोगे तुम ऐसे आदमी को जिसने हमसफर कोई मंजिल बना लिया? देह हमसफर है, वो भी थोड़ी देर की, मंजिल नहीं है। ये है देह के साथ उचित रिश्ता। तू थोड़ी देर के लिए मेरे साथ है, हमारी यात्रा तो अनंत है, और हम वो है जिसने कभी कोई यात्रा करी नहीं। क्योंकि हम कभी कोई यात्रा करते नहीं, इसीलिए कहने वाले ये भी कह देते हैं कि हमारी यात्रा अंतहीन है, और देह उसकी यात्रा तो सीमित होती है। कभी 5 साल चलती है, कभी 20 साल चलती है, बहुत हुआ तो 80-90 साल चलेगी। अलग अलग तरह की ट्रेन होती है ना, मेट्रो होती है थोड़ी दूर की, और हिमसागर एक्सप्रेस है, ये 90 साल की देह है। पर ट्रेन कोई भी हो, दो बातें पक्की हैं, कभी चढ़ोगे और कभी उतरोगे। देह ऐसी ही है। क्या तुम उसके मुंह में पड़ गए जो बस संयोगवश तुम्हारे डब्बे में आकर बैठ गया था, और डब्बे में ही तुमने बिहार चा लिया, डब्बे में ही तुमने खानदान खड़ा कर लिया, और फिर जब सहयात्री उतरने लगा तो तुम रोने लगे, बोले ये क्या हुआ, मेरा तो घरौंदा टूटा, पगले उसका टिकट नहीं देखा था पहले, अपना भी नहीं देखा था, तुमने तो बड़े अरमान बैठा लिए थे, तुम्हारे मन में तो कहानियां ही कहानियां, और कोई कहानी पूरी होती नहीं। दिखा दो मुझे एक आदमी जो अपनी कहानियां पूरी करके मरा हो,
कहानी सदा अधूरी रह जाती है, पिक्चर चल रही होती है, तुमको मध्यांतर में ही बाहर फेंक दिया जाता है। अजीब बात है, बैठे सुन रहे हो कहानी कहानी, और कहानी नहीं पूरी हुई, तुम्हें बीच में उठा के रख दिया गया, चलो बाहर। वो भैंसे पर कोई लेने आया तुमको, काला कलूटा सा है, गदा लिए हुए, काफी आउटडेटेड है, पर मानता नहीं, लेने आ गए। और तुम कह रहे हो हमारी तो कहानी चल रही है, हमारी निजी कहानी, शो चल रहा है, शो का क्या नाम है, मेरा परिवार। स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, मेरा परिवार। वो तो शो नहीं पूरा होने का, तो भैंसे वाला तुमको पिलियन राइडर बनाएगा वो बिना हेलमेट के। एक दफे मैंने कहा था, लोगों ने पोस्टर बना दिया, तुम्हारे जीवन पर जो हक पूरा दिखाते हैं वो मौत के वक्त कहां छुप जाते हैं। जब तक तो जी रहे हो कहते हो परिवार के आगे बेबस हो जाता हूं, हाँ जी रहे हो तो ये परिवार तुम्हारी जिंदगी पूरा हक दिखा रहा है, ये करो वो करो, यहां जाओ इतने बजे घर वापस आ जाओ, ये बैठो वहां खाओ, ऐसा करो वैसा करो। जब मरोगे तो ये सब साथ जाएंगे तुम्हारे, तभी क्यों छुप जाएंगे, अभी तो ये इतना हक दिखाते हैं जैसे कितने सगे हो तुम्हारे, मौत के समय भी ये सगे रहेंगे तुम्हारे। बोलो, 13 दिन तक तिरिया रोगे, 6 माह तक माता, कबीर है, उड़ जाएगा हंस अकेला। और फिर 13 दिन तक स्त्री रोएगी तुम्हारी और 6 माह तक माता रोएगी, बस बात खत्म। और जब तक जी रहे हो तब तक ये खून पिए हुए है तुम्हारा कि तुम ही तो हमारे सब कुछ हो और हम ही तुम्हारे सब कुछ है, हमारे लिए जियो। और इनके कारण तुमने राम को भुला दिया, कुल करनी के कारण ठिग ही रह गए हो राम। इस झूठे खेल में तुमने जीवन का असली उद्देश्य भुला दिया। और फिर दिल खूब टूटता है तुम्हारा, बच्चों पर जिंदगी कुर्बान किए जा रहे हो, जिस पे जिंदगी कुर्बान करोगे फिर उससे कुछ वसूली भी मांगोगे, वसूली मिलती नहीं तब रोते हो, कहते हो जिंदगी व्यर्थ गई। और ये बच्चे बड़े एहसान फरामोश निकले, तुमसे किसने कहा था कि अपनी जिंदगी उन पर लुटाओ, और अब तुम चाहते हो वो अपनी जिंदगी तुम पर लुटाए, जो भूल तुमने करी उसी को वो दोहराए, और न दोहराए तुम्हारी भूल तो तुम कहते हो इनसे ज्यादा कृतघ्न कोई है नहीं, हमने अपनी जिंदगी इन पर लगा दी और ये अपनी जिंदगी बर्बाद ही नहीं कर रहे। अरे बाप से कुछ तो सीखो, बाप ने पूरी जिंदगी व्यर्थ की है, तू कैसा बेटा है जो जिंदगी बर्बाद नहीं कर रहा। फिर तुम्हारे भीतर बड़ी शिकायत उठती है, बाप सपूत को कभी माफ नहीं कर सकता, इस बात को अच्छे से याद रखना। एक से एक कपूतों की माफी है, सपूत की कोई माफी नहीं है। बेटा बिल्कुल ही नालायक, बल्कि कहो कि हराम खोर भी निकल जाए तो भी बाप कहेगा मैंने कोई बात नहीं, अभी बच्चा है, 45 का ही तो हुआ है, सुधर जाएगा, नन्ना सा तो है, मम्मा मम्मा करके आता है, मां का आंचल पकड़ लेता है, सिर्फ 45 का है। कोई बात नहीं, पर बेटा अगर सपूत निकल गया, बेटा अगर बुद्ध निकल गया तो बाप उसे माफ नहीं करने वाला। तमाम कहानियां हैं कौन जाने, पर एक कहानी कहती है कि बुद्ध पहुंचे थे जब अपने घर वापस, और वो बुद्ध है सिद्धार्थ गौतम नहीं, बाप ने तमाम शिकायतें की, उलाहना पे उलाहना, कोई तो कहता है कि थप्पड़ ही जड़ दिया था, इतना तो नहीं किया होगा लेकिन ताने जरूर मारे होंगे,
और बुद्ध भौचक के खड़े, बुद्ध बाप से कह रहे हैं तुम्हें पता भी है वापस कौन आया है, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूं, तुम्हें पता भी है कि जो गया था घर छोड़ के महल छोड़ के वो नहीं वापस आया है। पर बाप ऐसे बात कर रहा है, अरे तू ही बेवकूफ है, देख उधर देखो पड़ोस के राजे वाले को देख, उसके 3 बच्चे भी हो गए, तू ही रह गया उस, अब तक तो तू चक्रवर्ती सम्राट बन गया था, ज्योतिषियों ने बोला था कि चक्रवर्ती बनना था, अपॉर्चुनिटी रह गई, तेरा करियर खराब हो रहा है बता रहा हूं तुझको। और फिर वो गए बीवी के पास और बीवी बोल रही है प्रियवर ऐसा क्या मिल गया जंगल में जो महल में ना मिलता, और बुद्ध निरुत्तर खड़े बोल रहे इसका जवाब कौन दे। बड़ी सुंदर लंबी कविता है द लाइट ऑफ एशिया, पढ़ना बुद्ध के ऊपर, उन्हें यही कह रही है यशोधरा, प्रियवर यदि सत्य सर्वत्र है तो जंगल में ही क्यों खोजा, मेरे बिस्तर पे क्यों नहीं, वो तो सब जगह मिलता है ना। अजीब बात, सबकी माफी है बुद्धों की माफी नहीं है, क्योंकि बुद्ध देह से ऊपर उठ गया, और खास तौर पे बुद्ध का परिवार बुद्ध को कभी नहीं माफ कर पाएगा, क्योंकि बुद्ध का होना ही परिवार के मुंह पर तमाचा है। अच्छा लग रहा है ज्यादा या बुरा लग रहा है ज्यादा? अच्छा। पक्का? हाँ। ठीक है। थोड़ा थोड़ा बुरा लग रहा है ना? अभी ये बेईमानी की बात नहीं, सच में नहीं लग रहा। थोड़ा बोलो कि बुरा लग रहा है, लेकिन अच्छा ज्यादा लग रहा है। नहीं, मुझे बुरा लग ही नहीं रहा। अरे तो फिर तुमने कुछ सुना ही नहीं, फिर तो मेरे सारे बाण व्यर्थ गए। मैं इतनी कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हें कुछ बुरा लगे। जब हमारा हाल हमारे सामने उघेड़ कर रख दिया जाए तो बुरा लगना चाहिए। हमारी दशा ऐसी है निश्चित रूप से कि हमें बुरा लगना चाहिए। हां, भीतर कुछ और भी रहे जो कहे कि बुरा तो लग रहा है, लेकिन उस बुराई से ज्यादा कहीं अच्छाई है यह भी हमें दिख रहा है। जाओ, बड़ा परिवार बनाओ, बड़ा परिवार, नन्हा सा घोंसला, राई भर बिल मत बनाओ। संसार तुम्हारा है, बड़ा घर बनाओ।